हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार असन सीट की सबसे ज्यादा खास चर्चा है। खास चर्चा इसलिए है कि राहुल गांधी की पहली रैली असन में की गई। खास चर्चा इसलिए है क्योंकि यहीं पर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के मनमुटाव को खत्म करने का प्रयास किया गया। अलग से चर्चा इसलिए है क्योंकि इस सीट के ऊपर योगी का पहला जलसा हुआ। अलग चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस सीट के ऊपर कांग्रेस के MLA हैं। लेकिन अलग चर्चा इसलिए भी है कि इस बार इस सीट पर अलग नज़ारा है। आखिर असन के सीट के ऊपर क्या नज़ारे हैं, क्या समीकरण है, क्या उलटफेर हो रहा है और क्या नई चर्चाएं हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। असन विधानसभा हलका 2019 में कांग्रेस के खाते में गया था। शमशेर गोगी ने बहुकोणीय मुकाबले में जीत दर्ज करके विधायक अपने नाम की है। लेकिन 2024 का नज़ारा 2019 से बिल्कुल अलग है। 2019 में विधायक के तौर पर गोगी बने, नंबर दो पर BSP के राणा रहे, नंबर तीन के ऊपर जिले राम शर्मा रहे। लेकिन इस बार राणा की बजाय उनके बेटे गोपाल राणा चुनाव लड़ रहे हैं, BSP NLD के प्रत्याशी हैं। वहीं जिले राम शर्मा का जो चुनाव है उनका सिस्टम बैठ गया है, वो अब की बार दौड़ में शामिल नहीं हो पाए हैं। उसके साथ साथ शमशेर गोगी भी इस बार बैकफुट पर चले गए हैं, उनका चुनाव चल नहीं रहा है। उनको जितवाने के लिए राहुल गांधी भी आए लेकिन राहुल गांधी का दौरा काम नहीं आया। मायावती भी योगेंद्र राणा के टक्कर के लिए गोपाल राणा की मदद को असंध में आई लेकिन वो भी गोपाल राणा का डंका नहीं बजवा पाई, यानी उनके अरमानों को पूरा नहीं कर पाई, उनके पक्ष में हवा नहीं चला पाई। जहां तक बात चौथे प्रत्याशी की आती है, चौथे प्रत्याशी के तौर पर पूर्व IAS वीरेंद्र मराठा भी अपना कोई जलवा नहीं दिखा पाए और वो सियासत के मैदान पर फिर से चौकर साबित हो गए हैं। असन सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी भी है जिसे टिकट मिलने के बाद नंबर 5 पर बताया जा रहा था, यानी उसकी जीत के आसार नहीं थे और उसको सबसे खराब प्रत्याशी बताया गया था। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र राणा की। योगेंद्र राणा को जब BJP की टिकट दी गई तो ये सवाल या निशान उठा कि BSP और NLD के राजपूत प्रत्याशी होने के बावजूद BJP ने योगेंद्र राणा को टिकट देकर अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ये बात शुरू में ठीक भी लगी क्योंकि एक सीट पर अगर एक ही बिरादरी के दो प्रत्याशी टकराएंगे तो दोनों को नुकसान होगा। लेकिन एक एक दिन बीतने के बाद ये चर्चाएं बदलती चली गई। जैसे ही योगी की रैली हुई उसके बाद यहाँ पर हालात बदल गए, उसके बाद अनुराग ठाकुर आए तो हालात और बदल गए, यानी कि एक एक नेता के साथ BJP प्रत्याशी योगेंद्र राणा का ग्राफ भी बदलता गया। यानी 20 दिन पहले जहाँ नंबर एक पायदान के ऊपर खड़े थे शमशेर गोगी, नंबर दो पर खड़े थे गोपाल राणा, तो 10 दिन के बाद नंबर तीन पर पहुँच गए योगेंद्र राणा। लेकिन अब लास्ट के प्रचार के दिन साफ तौर पर जाहिर हो गया कि ये समीकरण, ये नंबर बदल गए हैं। नंबर तीन के प्लेयर यानी योगेंद्र राणा नंबर एक पर पहुंच गए हैं, नंबर एक वाले प्रत्याशी नंबर दो पर पहुंच गए हैं और नंबर दो वाले प्रत्याशी गोपाल राणा नंबर तीन पर चले गए हैं। आखिर ये नंबरों में परिवर्तन क्यों हुआ है? ये परिवर्तन इसलिए हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ योगेंद्र राणा को वो अपनी बिरादरी के अंदर सबसे ज़्यादा समर्थन हासिल होने के बाद हुआ। नंबर दो पर उन्हें रोड बिरादरी का फायदा हुआ। इसमें 80% से ज़्यादा रोड वोटर BJP के साथ में जा रहे हैं। BSC कैटेगरी के कश्यप वोटर भी एकमुश्त होकर BJP के पक्ष में जा रहे हैं। ब्राह्मण वोटर भी जिले राम शर्मा को छोड़कर 60% से ज़्यादा वो योगेंद्र राणा के साथ जा रहे हैं। यानी पूरे वोट बैंक के अंदर जो ध्रुवीकरण है वो असंध में जाकर और भी तेज हो जाता है, क्योंकि असंध कस्बे के अंदर पहुंचने पर पता चलता है कि योगेंद्र राणा 70-80% वोटों पे अकेले ही खेल रहे हैं, अकेले ही समर्थन हासिल कर रहे हैं। यही वजह है कि असंध सीट के ऊपर पूरे हालात बदल गए हैं, पूरे समीकरण बदल गए हैं और योगेंद्र राणा BJP के टिकट पर अब जिताऊ प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। यानी खेल बिगड़ गया है। राहुल गांधी के आने का कोई प्रभाव नहीं हुआ, मायावती की रैली का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन BJP के बड़े योगी यानी UP के CM योगी की आशीर्वाद रैली जरूर यहां पर काम कर गई है, जो योगेंद्र राणा को मजबूत कर गई है और योगेंद्र राणा का परचम फहरने के आसार पैदा हो गए हैं। यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए योगेंद्र राणा ने अपने चुनाव को अपनी पार्टी के बलबूते पर, अपने साथियों के बलबूते पर और पार्टी के नेताओं के सहयोग से अपने चुनाव को मजबूत पोजिशन में ला खड़ा किया है और यही वजह है कि अब
असंध में चर्चा चल पड़ी है कि इस बार नया विधायक बनेगा, इस बार उलट फेर होगा और इस बार असंध सीट के ऊपर योगेंद्र राणा की लॉटरी लग सकती है, यानी उनके जीत के दावे मजबूत हुए हैं। योगेंद्र राणा ने जिस सदी हुई चाल के साथ अपने चुनाव को उठाया है, जिस हिसाब से पार्टी ने उनकी मदद की है, जिस हिसाब से उनके साथियों ने उनकी रणनीति बनाई है, उसी के बलबूते पर ही योगेंद्र राणा 20 दिन में फिसड्डी से लेकर वो नंबर एक पैदान पर आ गए हैं और यही वजह है कि आज उनके चुनाव की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। यानी वर्तमान विधायक शमशेर गोगी के खिलाफ में योगेंद्र राणा सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं, उलटफेर करने के कगार पर पहुंच गए हैं और जनता का जिस हिसाब से योगेंद्र राणा को समर्थन मिला है, जिस हिसाब से उनके रोड शो के अंदर भीड़ रही है, उससे साबित हो गया है कि इस बार शिखर की लड़ाई में शमशेर गोगी के सामने योगेंद्र राणा खड़े हैं और वो उनको धोबी पाट मारने के लिए तैयार बैठे हैं। असंध के चुनावी दंगल में कौन विधायक बनेगा कमेंट करके जरूर बताएं। असंध की सीट के ऊपर योगेंद्र राणा और शमशेर गोगी में से किसके विधायक बनने के ज्यादा आसार हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। असंध के चुनावी घमासान में INLD BSP के गोपाल राणा कहाँ खड़े होंगे, ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।